टुडे वी विल शोकेस यू प्रॉब्ली द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऐप जिसमें कि आप एक लाइव चैट कर सकते हो एक एस्ट्रोलॉजर के साथ. एंड व्हेन आई से लाइव चैट मींस, जैसे आज हम सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम सब लोग अलग अलग मैसेंजर्स यूज़ करते हैं. इन इन प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स, एस्ट्रोलॉजी इज़ एक्चुअली अ साइंस जिसके जिसके हम बिलीव करते हैं कि वी कैन एक्चुअली थ्रू एस्ट्रोलॉजी हेल्प ईच एंड एवरी वन इन दिस वर्ल्ड, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इन दिस रूम. इट इज़ साइंटिफिक, इट वर्क्स ऑन थ्री थिंग्स, विच इज़ योर टाइम ऑफ बर्थ, योर लोकेशन ऑफ बर्थ एंड योर कुंडली, विच इट्स मेड थ्रू दीज टू थिंग्स, राइट? एंड विद दैट इन माइंड, दीज टू थिंग्स, जो आपका टाइम ऑफ बर्थ है, लोकेशन ऑफ बर्थ है, ये आप सबके लिए यूनिक होता है. तो इसीलिए जो भी चार्ट बनता है, दैट इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरीबडी ऑफ अस. नाउ विद दिस कंटेक्स्ट, रिलीजन हैज़ नो रोल. यू कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजन. आप यू मे बी फॉलोइंग हिंदुइज्म और यू मे बी फॉलोइंग इस्लाम और यू माइट फॉलो बुद्धिज्म, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ हाउ योर बर्थ चार्ट कैन बी, राइट? विच टेल्स अ लॉट अबाउट यू. इट्स लाइक योर GPS मैप. ये आपका GPS मैप है आपकी लाइफ का. सो दिस इज वेयर वी आर एंड वी थिंक दिस इज रिलीजन न्यूट्रल. इसमें हमें इट डजन डिफ्रेंशिएट पीपल ऑन द विस रिलीजन, राइट? गोइंग फॉरवर्ड वी आर असेंशली, एस्ट्रोलॉजी एज अ मार्केट इज लार्जली अनऑर्गेनाइज. अगर आप अनऑर्गेनाइज का मतलब है कि कोई भी कंपनी नहीं है जो कि एस्ट्रोलॉजी को एज अ बिजनेस मैनेज करती है प्रोफेशनली टू गिव द राइट काइंड ऑफ सर्विस. और ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ मिथ्स इन दिस सर्विस. बहुत इसको प्रोजेक्ट भी किया जाता है इन वेरी डिफरेंट वेज एंड मोर सो टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट फियर साइकोसिस जो आपके सबके अंदर होता है कि यार ऐसा नहीं हो जाए, वैसा ना हो जाए. सो टू एस्ट्रोबॉडी एलिमिनेट्स ऑल ऑफ दिस. इट ब्रिंग्स यू एस्ट्रोलॉजी इन वेरी क्लीन फॉर्म विच इज लॉजिकल, साइंटिफिक. आप उसको समझ सकते हैं. देर इज नो मिस्ट्री अराउंड इट. एट द सेम टाइम वी हेल्प यू टू प्रॉब्ली वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू टू क्रिएट मल्टीपल चैनल्स टू रीच और टेक दिस सर्विस. सो आज हम लोग वॉइस पे हैं, अवेलेबल विद ऑल द टेलकोज अक्रॉस द ग्लोब विच वी आर लॉन्चिंग इन. वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन लाइव चैट नाउ विद द वर्ल्ड्स फर्स्ट चैट बेस्ड एस्ट्रोलॉजी ऐप. वी आर ऑल्सो हैविंग एन एस्ट्रोबॉडी वेबसाइट विच इज astrobuddy.guru, बेसिस विच यू कैन सब्सक्राइब टू मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स. एंड दिस मार्केट इन इंडिया अलोन इज क्लोज टू अराउंड $10 billion, right, in a year. That's the value of this market that's annually there already. So imagine the potential that this actually has. In simplified terms, aap 68,000 crore rupees ki baat kar rahe hain in a year, which is the unorganized market for us, right? This is the market we cater into, right? So how are we different? We are different in a way. One, we are scientific. We link this to science completely. There is no mystique of कि क्या आपकी कुंडली में राहु आ गया है, उससे ऐसा होगा, उससे वैसा होगा. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट फॉर अस. हम इसको सिंप्लीफाई और साइंटिफिकली लिंक करते हैं आपकी खुद की पर्सनल लाइफ से, जो आप फेस करते हैं, जो आप समझ सकते हैं, जिस पे आप एक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड मूविंग फॉरवर्ड आई विल ट्राई एंड शो यू द विच आई स्ट्रेस बिफोर कि हम क्या क्या फॉर्मेट्स हैं हमारे पास अलग अलग. एंड मिस्टर भूपेश शर्मा, हु इज बीन द लीड एस्ट्रोलॉजर for astrobuddy, who's basically an astrobuddy. So we've coined the term astrobuddy from astrologer. We are more like your friends. So Mr. Sharma, he's had life changing events in his own life which helped, no, which made him dive deeper into the astrology as a subject. Aur us subject mein jab ye unhone deep dive kiya, ye usko achhi tarah se samjha and he benefited out of that, that's when the whole thought of, you know, spreading the good came in and astrobuddy was born. So with that, I'll try to bring them onto the dais and you know, sir, aap directly inse puchiye ki aur kya kya ho saka, but I'll quickly move through this and take you. I just told you ki hum kahan kahan pe available hain. So aaj ki date mein hum phone pe available hain, hum log aapke sath chat pe available hain. Bahut sari telecom companies humse content leti hain astrology services power karne ke liye. So we already today reach about 30 million subscribers. Alag alag formats mein, alag alag लैंग्वेजेस में हम 30 मिलियन लोगों तक ऑलरेडी जाते हैं, राइट? कमिंग टू वर्नाकुलर, वी आर, और ये जो हम कंटेंट देते हैं, ये हम अलग अलग लैंग्वेजेस में देते हैं.
सो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यू कुड डू इट इन मराठी, यू कुड डू इट इन तमिल, यू कुड डू इन एनी लैंग्वेज दैट यू वॉन्ट. दिस कॉन्टेंट कैन बी पोर्टेड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. नाउ दिस इज द कॉन्टेंट दैट वी गिव आउट, राइट? एंड वाइल वी हैव डन दिस, वी हैव ग्रोन रियली बिग, प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट एस्ट्रोलॉजी कंपनीज हु हैव बीन इन दिस स्पेस, इन द कॉन्टेंट स्पेस. एंड नाउ वी आर लॉन्चिंग आर ओन ओटीटी प्रोडक्ट्स. ओटीटी का मतलब ओवर द टॉप. पहले हम लोग ऑपरेटर्स के थ्रू मार्केट में घुसते थे. नाउ वी आर कटिंग दैट चैनल, वी बी डायरेक्टली अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? एंड दी सर्विसेज विल बी लाइव, दे विल बी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, एंड दे बी इन अ फॉर्मेट जो कि पहले से आज तक कभी एक्सेस नहीं कर पाए, राइट? सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई वॉन्ट टू स्ट्रेस अपॉन. सो वॉट और आर दी वॉट आर आर ओ टी टी प्रोडक्ट्स? वन इज डेफिनेटली आर वेबसाइट, विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट. आपके पास कोई भी सवाल हो, सो देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड आस्क अ क्वेश्चन. आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, विच इज़ रिगार्डिंग योर बर्थ, योर करियर हो गया, या आपका फाइनेंस हो गया, या आपके रिलेशनशिप्स हो गए, और इट कुड बी मे बी अ रिपोर्ट दैट यू वॉन्ट टू सीक फॉर योर चाइल्ड, कि यार इसको किस करियर में डाला जाए, राइट? दिस सो एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू अ लॉट इन हेल्पिंग यू मेक दीज डिसीजन राइट, राइट? इंस्टेड ऑफ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, एंड यू कैन मेक दीज डिसीजन इन टाइम. सो एंड द अदर इज, एज वी सेड, इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट app which allows you to chat directly with an astrologer. Now why a chat app? One, ek to iske andar aap privacy evade nahi karte hain, your chats are private. Two, you can be anywhere, kahin pe bhi aap you can access it from anywhere. You don't need to be ki zaruri nahi hai ki aap kisi ke samne baat kare, yeah, you can have your own private space. Three, aap isko kisi bhi kabhi bhi kar sakte hain, you can resume your chats anytime that you want. And it's accessible on all devices. So it'll be available. It's already available on Android, and it'll be shortly available on iOS also, right? So this is broadly about the AstroBuddy as a overall entity, what we are trying to do. Now, I'd like to ask Mr. Vikram Bhatt if he can give some few words about AstroBuddy. Thank you. अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे मैंने तो खैर वीडियो पे देखा, कि ऋषि कपूर साहब ने किसी मीडिया वाले को डांट दिया. देखा आपने वो? हाँ, वो किसी को बोला कि तुम लोग इतना बात क्यों करते हो पीछे. हाँ, मेरे को भी अभी ऐसा ही लग रहा है कि मैं ऋषि जी बन जाऊँ और इन लोगों को डांट दूँ. भाई कोई बात कर रहा है यहाँ पे, आप लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, एक चांस तो दो हमको यार, प्लीज. थैंक यू. एक्चुअली वो क्या फील कर रहे थे मैं आज फील कर रहा हूँ. जब भी मेरा कोई असिस्टेंट ऐसा पीपीटी लेके आता है, मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है. तो मैं ये पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया. इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या है, हम लोग फिल्मी लोग हैं, हम लोग सिर्फ फिल्मी भाषा समझते हैं. तो मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूँ कि इन्होंने एक्चुअली किया क्या है. जो भूपेश जी ने किया है ना, दैट इज़ फैबुलस. उन्होंने क्या किया है कि ये सोचिए कि आपके पास, सबके पास फ़ोन है, सबके पास व्हाट्सएप है, सोचिए कि आपके पास एक डॉक्टर का नंबर है यहाँ पे, और आप उस डॉक्टर को कभी भी किसी भी वक्त, दिन को या रात को, आप उस डॉक्टर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं कि यार मुझे यहाँ दर्द है, या ये मुझे ये हो रहा है, या मेरी मम्मी को हो रहा है, डैडी को हो रहा है, मेरे इसको ये हो रहा है, तो मैं क्या करूँ. अगर आपके पास ऐसा कोई ऐप होता कि आप डॉक्टर को कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, तो क्या आपको एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती कि यार ये ऐप मस्त है यार, मैं कहीं भी जाऊँ दुनिया में डॉक्टर से बात हो सकती है. तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सा ही है. हम लोग डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाते हैं जब तकलीफ में हो, वरना बेचारे एस्ट्रोलॉजर को देखते भी नहीं हम. तो हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि क्या होगा यार, शादी होगी नहीं होगी, होगी तो टूटेगी कि नहीं यार, और पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी, उसकी चलेगी क्या. हाँ, ज़्यादातर तो हमको उसका टेंशन है, उसकी चलेगी क्या,
फ्लॉप कर दो यार कोई पूजा वूजा करके. तो बेसिकली एस्ट्रो बडी एक ऐप है, इट्स अ चैट ऐप जहाँ आप अपने डिटेल दे दो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, और वो आपका चार्ट बनाते हैं और आप लाइव उनके साथ चैट कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त. और उनको बोल सकते हैं कि भाई देखो ये मेरी तकलीफ है, तो इसका कुछ सोल्यूशन है कि नहीं. अब इसकी ब्यूटी ये है कि भूपेश जी ने एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, क्योंकि इन्होंने सारी वो चीज़ों को लेके ख़त्म कर दी जिस पे ये लोग ने बहुत सालों से पैसे बनाए. मैं अंगूठियां पहनता था, वो शनि की पूजा बहुत की मैंने, तेल भी चढ़ाया और उड़द भी चढ़ाए और पता नहीं क्या क्या चढ़ाया. किसी ने तो बोला कि आप ना 3 कैरेट का रूबी पहनो, तो मैंने बोला यार अगर 3 कैरेट के रूबी के पैसे होते तो तेरे पास क्यों आता. तो मेरे पास नहीं है यार 3 कैरेट के रूबी के पैसे, तो तू बता क्या करूँ. नहीं सर आप रूबी पहनो. मैंने बोला छोड़ दे इसको यार. तो जब मैं भूपेश जी से पहले मिला तो भूपेश जी ने कहा यार ये सब बकवास है, सब उठा के फेंक दे, ये अंगूठियाँ फेंक दे, ये चेन वेन फेंक दे, जो भी बोलता है ना कि ये पूजा करने से ये होगा, वो पूजा करने से वो होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा. एस्ट्रोलॉजी से वो आपको गाइड करते हैं कि देखो आपका ये वक्त आने वाला है. जैसे हम कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं और कोई आपको बता दे कि यार आगे समझ लो कि आगे थोड़ी खाई है, थोड़ा राइट ले लो, हमको वही चाहिए कि यार आगे खाई है थोड़ा बच लो. रिंग पहनने से खाई नहीं जाएगी, वो तो खाई में जाएंगे आप डेफिनेटली, क्योंकि रिंग सडनली रेड नहीं हो जाएगी कि संभाल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो उन्होंने सारी ये मिथ्स लेके ख़त्म कर दी. इसलिए जब आप ऐप पे जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती. आपको ये एडवाइस नहीं मिलती कि आप ऐप के अकाउंट में जाके ना 4,000 रुपये जमा कर दो हम पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है. आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है कि आप इस फेज़ में हैं, आपके साथ ये हो रहा है. ये कभी कभी कहते हैं मुझे भी, बिकॉज माई फ्रेंड विक्रम तू डिप्रेस्ड है, तू डिप्रेस्ड रहेगा, तू 2 महीने तक डिप्रेस्ड रहेगा, तेरे को जो करना है कर ले, क्योंकि आपका ये फेज चल रहा है. बट बिकॉज ही टोल्ड मी दैट एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स देर इज लाइट, मुझे लगता है कि यार ये टेम्परेरी है. हमको सिर्फ ये उम्मीद चाहिए कि जिस भी दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर टेम्परेरी है, ये नहीं है कि ये चलता रहेगा. तो यहां आने से पहले ना मैंने भूपेश जी को एक रिक्वेस्ट की, मैंने उनको कहा कि आप कितने कमाल हैं ये कोई जानता नहीं है, मैं जानता हूं लेकिन आप में से कोई नहीं जानता. तो मैं ये चाहता हूं कि ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करें आज. अगर आप में से कोई भी इतनी हिम्मत रखता है कि अपना नाम, अपना डेट, नाम भी नहीं चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस अभी दे दें इनको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. क्यों सर बात में दम है कि नहीं है? तो मैं यही कह रहा हूं, अभी देखो अभी कोई नहीं आएगा. आप रेडी हैं? आओ जी बताओ. मगर टाइम ठीक होना चाहिए, फिर बोलो क्या कि ये गलत है. 30 अप्रैल 1957 3:30 AM ओल्ड दिल्ली. चलो फिर आप भी एस्ट्रोबडी ज्वाइन कर लो. एक बार रिपीट कर लेते हैं. 30 अप्रैल 1957 टाइम 3:30 AM हाँ मतलब सुबह जल्दी और ओल्ड दिल्ली. कुछ नहीं, आप एक्सरसाइज शुरू कर दो ठीक हो जाए.
और कुछ नहीं करना। एक चीज पे बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं देते, एक साथ 10 चीजों में देते हैं तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, तो एक का मैक्सिमम फायदा ले ही नहीं पाते। अगर आप दो या तीन चीज पे ही फोकस करेंगे तो ज्यादा जस्टिस कर पाएंगे उस काम से। आप क्या है कि आप कुछ कर रहे होते अचानक आपको लगता नहीं यार उसमें भी फायदा है, ये कर लेता हूँ, नहीं उसमें भी फायदा, ये भी कर लेता हूँ। तो अगर इस टेंडेंसी को आप हटा दो फिर सब कुछ ठीक है। कम पे फोकस मास्टर ऑफ टू और थ्री ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। मास्टर ऑफ नन है आप ये बोल रहे हैं कि ये बोलेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल है, अगर आप जैक ऑफ ऑल ना बनके मास्टर ऑफ सम बन सकते हैं। बस खाली दो चीज का ध्यान रखिए, अपने पेन का, अपने कंसंट्रेशन का और अपने स्टमक का। आपको स्टमक प्रॉब्लम भी बहुत रहती है, आएंगी एसिडिटी वगैरह की वजह से बहुत सीवियर प्रॉब्लम आ सकती है, सर्जरी भी पॉसिबिलिटी है। तो अपने ईटिंग हैबिट्स थोड़ा संभाल के रखें, नथिंग मेजर। तो वो अकेले में क्या कि एस्ट्रोलॉजी को हम लोग सब समझते हैं कि इससे सब प्रिडिक्शंस होती हैं, कि बस किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देगा। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इंडिकेटिव है, प्रिडिक्टिव नहीं है, और हमारी लाइफ पे प्लैनेट्स कोई इंपैक्ट नहीं डालते। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ लेकिन ये कह रहा हूँ कि प्लैनेट्स का हम पर कोई असर नहीं होता। प्लैनेट्स खाली एक नक्शा देते हैं हमें जब पैदा होते हैं, जिससे हम एसेस कर लेते हैं कि मोर और लेस लाइफ ऐसी रहेगी। अब आपके पास एक कहीं का नक्शा आ जाए, अब उसके पास जाने के आपके पास 10 रास्ते हैं, उसमें पहाड़ भी आएंगे, नदियाँ भी आएंगी, जंगल भी आएंगे, तो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उस पर चलना चाहते हैं। आप गाड़ी से जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे, ट्राम से जाएंगे, वो आपकी चॉइस है। किस स्पीड से जाएंगे वो भी आपकी चॉइस है। प्लस अगर कुछ भी प्री डिटरमाइंड होता, मैं मानता हूँ कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता, अगर होता तो नेचर हमें ब्रेन नहीं देता इंडिपेंडेंट सोचने के लिए। अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता तो हम लोग रोबोट्स होते, सब कुछ प्री डिटरमाइंड, अपने आप सब चीज़ें की और हो गया। तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो हुआ उसने किया उसकी मर्जी, नहीं उसने अपनी मर्जी से आपको क्रिएट कर दिया और अकल दे दी, उसका इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। एस्ट्रोलॉजी ये समझाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई कन्वे नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी जब हम डीपली पढ़ते हैं समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि इससे खाली हमें इंडिकेशंस मिलते हैं, इवेंचुअली हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है, कुछ भी लिखा हुआ कुछ नहीं। मैं ये कमेंट नहीं करूँगा, वो पामिस्ट्री वाले आपको बताएंगे उनकी क्या स्ट्रेंथ है, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ। मैं पर्सनली नहीं मानता, लेकिन मेरे अपने रीजन से, लेकिन वो मैं जो आप मेरे से बात कर रहे हैं आपको क्या लगा, तो बस वही आपको ऐप में मिलेगा। आप बहुत चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप कम चीजों पे कॉन्सेंट्रेट, इससे आपको क्या फायदा हुआ? आप इनकी बात माने ना माने ही आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप उनकी बात मानते हैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दी, उन्होंने आपको वो नहीं कहा जो आपके बस में नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वो मंदिर में चले जाइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पत्थर पहन लीजिए, उन्होंने ये सब नहीं कहा। तो ये एस्ट्रोबडी की स्ट्रेंथ है, ये मैं दिखाना चाह रहा था लाइव। मैंने उनको कहा कि एस्ट्रोबडी क्या है, जब खुद एस्ट्रोबडी भूपेश यहाँ बैठे हैं तो मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या है, कि वो किस किस्म की एडवाइस देते हैं। मेरे हिसाब से मैंने भी उनको पूछा है कि ये मेरी चलेगी नहीं चलेगी, ये क्या होगा वो क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं चलेगी। बोला अच्छा तो क्या करूँ, बोला बहुत अच्छा है तेरे लिए। मैं बोला यार नहीं चलेगी, बोलता अच्छा है, बोलते अगर चलेगी तो तू ऐसे ही बनाता रहेगा। लव गेम्स नहीं चली, मैंने बोला लव गेम्स नहीं चली, बोला अच्छा नहीं चली, चलने भी वाली नहीं थी। मैं बोला ले ये दोस्त देखे क्या है, बोला तू और लव गेम्स टू बना देता, वो तेरी स्ट्रेंथ नहीं है तू मत बना।
मैंने इनसे 5 बार पूछा, मैं वीबी ऑन द वेब चालू कर रहा हूँ, हाँ हाँ अगर गड्ढे में गिरने वाला हूँ बता दो, नहीं कर लो, पैसे नहीं होते, मेरे पास पैसे नहीं है यार, तुमने ऐप शुरू करवा दिया, कोई बात नहीं कर लो. सो यू हैव समबडी हु गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड वी ऑल नीड समबडी हु गिव्स अस स्ट्रेंथ. डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, फॉलो करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि ये अब मैं सिंपल, मैं एक टीवी डिबेट में गया था तो वहाँ कुछ थे शास्त्री जी वगैरह, तो वो बोलने लगे जी फलाने हवन से ये हो जाएगा या फलाने उससे ये हो जाएगा. मैंने कहा जी आप ग्रहों को हिलाने की बात करते हो, आप अपने हवन से इस ग्लास को 1 इंच हिला दो, जब आप उसको 1 इंच नहीं हिला सकते आप ग्रहों को कैसे हिलाओगे. तो ऐसे मिसगाइड मत करो लोगों को, आप सही एस्ट्रोलॉजी आपको आती है आप सही तरह से समझाओ उनको. तो अब और लोग क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा तरीका ये है. और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में तो 99% घरों में एस्ट्रोलॉजी का कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है, चाहे कोई बच्चा पैदा हुआ हो, शादी करनी हो, किसी की डेथ हो गई हो, कोई बीमार हो, कोई ना कोई जरूर पूछते हैं. और उस फियर को बहुत लोग एक्सप्लॉइट करते हैं. मुझे तो बल्कि ऐसा लगा कि कितनी बार हम लोग खुद अकेले में रात रात भर जागते हैं क्योंकि हमको हमारे फ्यूचर की पड़ी होती है कि साला कल क्या होगा यार, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा. हम वो चीज़ ना हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर शादीशुदा है, ना बीवी या हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं. ऐसे में सोचिए अगर आप रात को आपके पास कोई ऐप हो जहाँ पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या चैट करके पूछ सकते हैं कि यार क्या होगा हशर, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इमोशनल सपोर्ट, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग अबाउट योर फ्यूचर. और ये जो करते हैं ना, मैंने मुझे एक बड़ा कमाल का किस्सा याद आ गया. मैं असिस्टेंट था, राइटर का नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन स्टोरी सेटिंग कर रहा था एक बड़े फेमस राइटर के साथ. ग्रुप ऑफ राइटर्स थे, डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर थे, क्लाइमैक्स डिस्कस कर रहे थे और सब लोग सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें क्लाइमैक्स. तो फिर प्रोड्यूसर ने कहा चलो एक काम करते हैं कल मिलते हैं वापस. तो जैसे ही हम लोग बाहर आए राइटर ने मुझे क्लाइमैक्स सुना दिया. मैंने बोला कमाल है यार, तुमको तो पूरा क्लाइमैक्स पता है, तो अंदर बोल देते यार कल वापस नहीं आना पड़ता. तो उसने बोला नहीं यार, इमिजिएटली बोल देता ना तो लोग सोचेंगे कि स्टूपिड है. सोच के बोलने वाला आदमी की कदर कुछ और होती है. तो अगर कोई आदमी आपको ना बोलता है कि ये करो वो करो तो आपको लगता है कि यार ये बड़ा कमाल आदमी है. कोई कहता है ये सब मत करो कुछ होने वाला नहीं है, आपको लगता है नहीं नहीं यार ये ऐसे कैसे हो सकता है. तो ये बात है, जैसे हम लोग जब लोकेशन शूटिंग के लिए जाते हैं ना स्विट्जरलैंड, तो ऐसा लगता है कि होटल से 2 घंटे दूर जाएंगे तो ही अच्छा लोकेशन होगा, क्योंकि यहाँ आए ना स्विट्जरलैंड, होटल के बाहर अच्छा लोकेशन नहीं हो सकता यार, बहुत दूर जाना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए. अरे लेकिन होटल इसलिए बनाई है क्योंकि लोकेशन अच्छा है, उसके नीचे ही अच्छा है यार. नहीं नहीं यार, लोग कहेंगे जो होटल के बाहर शूटिंग कर लिया. तो थोड़ा बहुत ऐसा है. और कोई आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं भाई जी से, विक्रम सर से, अबाउट व्हाई ही एसोसिएटेड? आई थिंक इन्होंने बता ही दिया आपको. हेलो हेलो हेलो, आई वो पेशान प्रशांत फ्रॉम NDTV. अक्सर लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए, किसी भी कुंडली को पढ़ने के लिए कम से कम 15 दिन या 10 दिन का टाइम चाहिए अच्छे से. और जैसे एस्ट्रोबडी की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे साइट्स भी हैं और फ़ोन कॉल्स पे भी हैं. अक्सर लोग देखा गया है कि जब सवाल आप पूछते हैं वो जल्दी में बहुत कुछ बताते हैं. और मेरा ख्याल में 10 मिनट में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत हैं. क्या बोलेंगे आप उसके ऊपर? मैं तो कहूँगा अपना टाइम ऑफ बर्थ दे दो अभी. नहीं, देखिए होता क्या है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक इतना वक्त, इट डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजर, मैं यही बोल सकता हूँ. क्योंकि आप इतनी देख चुके होते हो कि आपका सिस्टम काम, अब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अगर, तो आप बोलते हो यार ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है, खाली उसने नर्व्स देखी और मेरी बीमारी बता दी. और ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जिनके पास आप 25 टेस्ट लेके जाते हैं लेकिन तो भी वो नहीं कर पाते. तो इट डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजर, मैं यही बोल सकता हूँ. ऐसा मैं नहीं मानता कि 10, कई कई बार 2 मिनट भी बहुत होते हैं. वो आसान कुंडली होती होगी फिर. आसान और मुश्किल क्या होती है, कुंडली तो कुंडली होती है. नहीं नहीं नहीं, वो जो इस तरह के ग्रह या हम सांस की हम बात कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट. देखिए एक तो होता है कि इन डेप्थ में आप एक ही चीज पे ड्वेल करते जाइए उसको आप बहुत ज्यादा लंबा खींच सकते हैं.
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना क्रिस्प और क्लियर रहेंगे उतना हम डायरेक्शन सही पकड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इलेबरेटिव होने से हम कन्फ्यूज ही होंगे। तो मेरा ऐसा कोशिश ये रहता है कि मैं कन्फ्यूज ना करूँ लोगों को। ये जो ऐप है इस पे आपने और भी टीम बिठाई होगी शायद, और भी हाँ, लोग मेरी होंगे। पूरी टीम है जिनको ट्रेन करता हूँ। तो वो जितने भी लोग हैं कि आपकी तरह सारे के सारे उतने परफेक्ट हैं, एक्सपर्ट हैं? परफेक्ट तो मैं तो अपने आप को भी नहीं मानता, तो ह्यूमन है, एरर हो सकता क्योंकि है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ। कोशिश ये रहती है कि उनको इस तरह से ट्रेन करूँ और जहाँ उनको दिक्कत आती है आई इंटरव्यू माई सेल्फ, मैं खुद भी मॉनिटर करता हूँ, तो जहाँ मुझे लगता है मैं ट्वीक कर देता हूँ, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता हूँ। आप मेरा रूम आके कभी देखिए तो आपको समझ में आएगा। आता हूँ। आइए आइए, थैंक यू। Because of me? Because I am the brand ambassador of this app, I hope that happens. He's a very nice, politically correct guy, but I am not. So I want everybody else to shut down and only AstroBuddy to do well, because I'm human. But like he said, I think it's also a personal choice. I think who you're comfortable with. Because astrology is like, you know, you are opening up to your life to somebody. And you have to be comfortable with the person that you're opening your life to. You know, it's like when I went to Los Angeles and I went to a past life regression specialist. And he said, you know, you can never do a past life regression with someone you know. And I said, why? He says, because the human mind, the subconscious, is so powerful that it will not open up in front of someone it knows, because it has got so many secrets from itself. So you need what I call an intimate stranger. And an astrologer is an intimate stranger. You need an intimate stranger to talk to. Thank you. विक्रम, आपके साथ पर्सनल लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, आपने उनको, उन्होंने आपको कुछ सजेस्ट किया हो और वो नहीं सही साबित हुआ हो? जिंदगी भर ऐसा ही हुआ है। तो मतलब मानते हैं एस्ट्रोलॉजर जो सलाह देते हैं वो सही नहीं है? नहीं, सी व्हाट आई फील इज दैट, जैसे भूपेश जी ने कहा ना कि व्हेन इट इज इंडिकेटिव, सो ही सेज कि यार मुझे हिट या फ्लॉप का पता नहीं है, मुझे पता है तेरा टाइम अच्छा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, अगर फ्लॉप होगा तो भी अच्छे के लिए होगा, अगर हिट होगा तो भी अच्छे के लिए होगा। नाउ दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट, यू नो, वी आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ, हम लोग नहीं होता, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, यू नो, वी हैव अ वेरी नैरो परसेप्शन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, बट अ लॉट ऑफ फेलियर्स ऑल्सो समटाइम्स मेक अ सक्सेस, and a lot of failures together are actually guiding you towards that success. So, but I have known people, कोई बोलता है आपका कुछ केमुंद्रम योग है, तो मैंने बोला क्या करना चाहिए यार केमुंद्रम योग का, तो बोलता केमुंद्रम योग मतलब आपके आगे के हाउस और पीछे के हाउस में कुछ नहीं है, तो मैंने चंद्रमा के आगे और पीछे, तो मैं बोला मैं कहाँ से लेके आऊँ यार, अगर नहीं है तो नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ चंद्रमा के आगे कुछ, बोला नहीं तो आपको ये करना चाहिए, तो फिर किसी और के पास गया, तो उसने बोला अगर आपके पास केमुंद्रम योग है तो आप विक्रम भट्ट नहीं होते, तो मैंने बोला है कि नहीं यार ये बताओ, यू नो, कोई बोलता है आपका वो है क्या काल सर्प योग है ना, कोई बोलता नहीं नहीं एक प्लैनेट बाहर चला गया ना तो काल सर्प योग नहीं है, तो कोई बोलता है पार्शल है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। भूपेश जी, विक्रम भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर तौर पे नियुक्त करने की खास वजह? ये विक्रम ही बताएंगे क्योंकि इन्होंने खुद वॉलंटियर किया। सी आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी,
I am the brand ambassador of a person who wants to debunk astrology and give you the right direction. तो मुझे क्या लगता है, इट्स लाइक जैसे हमारा आज हॉस्पिटल से भी भरोसा जा रहा है. हम लोग कहते हैं यार वो हॉस्पिटल में ना ऐसा होता है, ये हॉस्पिटल में ना वैसा होता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है. लेकिन अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो आपको लगता है कि नहीं यार इसको पेट्रनाइज करना चाहिए. सो आई फील दैट हियर इज अ पर्सन हु इज यूजिंग द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी करेक्टली. He is not making you do any rubbish. He is not making you wear any rubbish. He is breaking all the myths. So this kind of a person, this kind of an app should be propagated because people need hope. There is nothing difference, no difference between somebody like me who sells hope through films and somebody like him who wants to give hope through a science. Only that I sell dreams, Israel sells reality. So I feel that people need hope, but people need right guidance. You must guide them properly. You must not want to steal from them. You must not want to make money from them. And if by lending my name, whatever good it does to this application, to this, I would say this, you know, business venture, I will be happy. विक्रम को सब लोग एक बहुत अच्छा फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पे जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को शायद नहीं पता ही इज़ अ वेरी गुड राइटर. और इनकी राइटिंग्स में स्पिरिचुअलिटी बहुत झलकती है, वो थॉट्स की प्योरिटी बहुत आती है. तो मुझे भी जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ तो काफ़ी हमारी मेंटल वेवलेंथ बहुत अच्छी मैच करती है. तो इन्होंने जितना अच्छी तरह मुझे समझा या मेरे कंसेप्ट को समझा कोई और समझ नहीं पाया था. तो ऐसे ही फिर डिस्कशन हुआ और फिर इवेंचुअली ही एग्रीड टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर. Okay, we'll take the last question now. Yeah, thank you. Hi sir, मैं अभी just enter किया. मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि भविष्य, जब आप भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो अक्सर अंधविश्वास भी जुड़ जाते हैं. सो उन लोगों से या इन बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे जब इस तरीके से लोग कहते हैं अरे भाई ये तो ढकोसला है, अंधविश्वास है. देखिए मैं अंधविश्वास है, ढकोसला है, मैं वो वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता. मैं ये कहूँगा कि विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए, लॉजिकल हो के करिए. अगर कोई आपसे बोलता है कि आप बहुत बुरे दौर से हो लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला दो आपका ये ग्रह ठीक हो जाएगा, तो वहाँ लॉजिक अप्लाई कीजिए. यार ये कौन सा लॉजिक है मुझे समझाओ जरा, कि जिसने नेचर ने जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया है उसके पास इतना खाली टाइम है कि एक प्लैनेट बाल बराबर प्लैनेट पे एक इंसान को परेशान करेगा और जब वो कुत्ते को रोटी खिला देगा तो ठीक कर देगा. तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना, तो आप खुद सोच के देखिए. तो अब वो अंधविश्वास है या एक्सप्लॉयटेशन है, क्या है, ये तो जो बताते हैं वो जाने. एस्ट्रोलॉजी ऐसा कोई चीज़ नहीं बताती, क्योंकि हम शुरू से मानते हैं एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है. तो शायद हमारे कई सौ सालों से, हजारों सालों से ये एक एस्केपिज्म चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में, तो हम लोग ब्लाइंडली इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी में रेमिडियल अप्रोच कभी होती ही नहीं है. एस्ट्रोलॉजी इज ओनली इंडिकेटिव, इवेंचुअली हर चीज आपको ही करनी है और कुछ नहीं करना. Bizarre that you've done after an astrologer told you to do something. Sorry, can you be? To you. Can you repeat the question, please? Is there anything bizarre that you've done when, supposing an astrologer told you to do something, you've gone to an astrologer and asked you to do something? Is there anything bizarre that you would like to? You're saying, is there anything bizarre? Actually, I've kept everything bizarre for my films. I barely do anything bizarre in real life. But it was because of one of these things that I totally went away from temples. Because I remember somebody had told me that you should go every Saturday and you should put oil and udad on Shani Maharaj. So I went to this temple close by where there was this Navgraha, and I used to, every Saturday, I used to put
this oil and udat. So on one Saturday, I just touched the Navagraha like this. So the pandit next to me said, "Haath nahi lagane ka." So I said, "Lekin tu to lagata hai." He said, "Main pandit hoon." I said, "Main bhi hoon." He said, "Mere paas jano hai." I said, "Mere paas bhi hai. Main bhi bhat hoon." He said, "Nahin, tum nahin kar sakta hai." So I went out of the temple and I said, "If this is God, why do I need this guy to tell me?" It's like asking, if God is my parent, tameva mata chapita tameva, if God is my father, if God is my mother, why do I need this priest to tell me whether I can touch my God or not? It's like asking your building ka watchman ke meri maa se baat karun kya? Doesn't make sense to me. Eh? From that day to this day, I've not gone to a temple. Because I believe that I have a relationship with my God which is straight and not through anything else but that. Which again brings me to why I'm on board with this. Because this is as straight as it gets. So I think, sir, thank you so much for being here and sharing your views with the media and all of us. Thank you, all of you, for your time here also today. And there are some refreshments outside. We'll request you to please join us outside for these things.